तो नमस्कार दोस्तों, बैंक की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, या फिर बोल सकते हो आप कि बहुत अच्छा बैंक की तरफ से अपडेट निकल के आ रहा है। हम सबके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका इंडिया में किसी भी प्रकार के बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखना, बाद में कमेंट्स करके मुझे ये मत बोलना कि यार मुझे तो अपडेट समझ में नहीं आया है कि ये न्यूज़ क्या कह रही है, क्योंकि हम सबके लिए बहुत ही ये फायदेमंद अभी 3 महीने तक हो रही है, हो सकती है। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास एक डेबिट कार्ड है, जैसे कि मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी मुझे पैसा निकलवाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM मशीन में जाऊँगा, और अगर वहाँ पर पैसा मुझे नहीं मिलता है तो फिर मैं क्या करूँगा? कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर लिखा हो रहता है कि आउट ऑफ स्टॉक, मतलब उस SBI मशीन में, जो ATM मशीन है वहाँ पर पैसा ख़त्म हो चुका है। तो अभी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं किसी अदर बैंक की ATM मशीन देखूँगा, लेकिन पैसा तो निकल जाएगा, लेकिन मुझे वहाँ अतिरिक्त चार्ज पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई आजू बाजू में बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर HDFC बैंक का ATM है, तो मैं वहाँ पर जाऊँगा ये ATM लेके, और फिर वहाँ से मशीन में डालूँगा, फिर वो लोग पैसा तो मुझे मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ATM मशीन पैसा दे देगा, लेकिन वहाँ पर आपको अभी तक अतिरिक्त चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अगले 3 महीने तक, एक बार और सुन लीजिए कि न्यूज़ का मतलब यही है, यहीं से स्टार्ट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूज़ क्या कह रही है। अगले 3 महीने तक अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी बैंक के ATM मशीन से पैसा निकलवा सकते हो, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा अगले 3 महीने तक। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कि मार्च एंडिंग तो हो गया है, समझो कि मार्च निकल गया है, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, मतलब ये पूरे अगले 3 महीने तक अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, अगर मैं किसी भी प्रकार के कोई अदर बैंक के ATM मशीन से पैसा निकलवाने जाऊँगा या फिर निकालूंगा, तो मुझे जो अभी तक चार्ज लेते थे वो लोग, तो अगले 3 महीने तक किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा बहुत बार मैंने देखा है कि जैसे कि मेरे पास है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट कार्ड, और फिर मैं स्टेट बैंक के ATM में ही जाऊंगा तो वहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक लिखा रहता है, क्योंकि आप सबको पहले से ही पता होगा कि हमारे मौजूदा देश की हालत क्या है कोरोना वायरस से लेकर। तो ऐसे में जो बैंक में है वो लिमिटेड स्टाफ है, और वो लोग भी बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ATM कार्ड का यूज कीजिए, डिजिटली तौर पे आप यूज कीजिए घर बैठ के। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम एक साथ ही सब लोग पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं उस ATM मशीन में, तो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको आसपास अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप किसी दूसरे बैंक के ATM मशीन में जाके अपने पैसा निकलवा सकते हो, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, और आपको जो अतिरिक्त अभी तक आपने चार्ज देते आए हो तो आने वाले अगले 3 महीने तक आपको किसी प्रकार का कोई 1 रुपये चार्ज, एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये है न्यूज़ का मतलब। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं कि इस अपडेट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ फ़ायदा होने वाला है अगले 3 महीने तक। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस अपडेट से कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका भी अभी भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है इस अपडेट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई 100% कर दूंगा।